एनीबडी वुड लाइक टू शेयर टुडे? आज हमारा स्लॉट वेकेंट है, अगर किसी को छोटी छोटी बातें भी शेयर करनी है तो आज एक अपॉर्चुनिटी है, तो यू ऑल कैन, यस प्लीज स्टार्ट, प्लीज शेयर। हाँ सर, अभी तो रिसेंटली डेली में कुछ ना कुछ मैजिक्स चल रहे हैं। जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया था, मे मंथ है, अभी पियर तो जाना नहीं होगा क्योंकि मम्मी नहीं है, लेकिन इमिजिएटली कुछ एक प्रोग्राम आ गया और हम लोग औरंगाबाद 8 डेज एंजॉय करने चले गए। उसके बाद में मेरे एक रिलेटिव्स में उसके फादर एक्सपायर हो गए, तो वहां पे जाना जरूरी था। आते आते इतनी गर्मी थी और पूरी धूप हम लोगों को लग रही थी, तो मैंने मैनिफेस्ट किया, अरे क्लाइमेट के लिए इतना थैंक्स किया, इतना थैंक्स किया कि अभी बरसात के जैसा माहौल हो जाए। 2 घंटे के बाद में और 2 घंटे के लिए पूरा क्लाइमेट ठंडा हो गया, 1 घंटे के लिए बारिश हो गई, और जैसे पूना में पहुंचे इट वॉज नॉर्मल। और अभी तो स्कूल में पढ़ाती हूँ मैं, और बहुत फ्लक्चुएशंस थे मैडम के हमारे के टाइम टेबल में, हम लोगों को ऐसे लेक्चर्स देंगे वैसे लेक्चर्स देंगे रोज। कल तो इतना कंफ्यूजन था माइंड में कि अगर ऐसा कर देंगे तो मैं पूरा टाइम कैसे काम कर पाऊंगी वहां पे। लेकिन फिर सोचा, अरे अपने पास तो मैजिक है, जो चाहिए वही मैनिफेस्ट करना है। घर पे आने के बाद एक दो बार मैनिफेस्ट किया कि मैं जितना क्लासेस ले रही हूँ उतने ही मैडम ने मुझे अलॉट किए हैं, और आज जाने के बाद पहली खबर वही मिली कि जितना तुम ले रहे थे पहले उतना ही तुम लोगों को मिल रहा है। तो इट वॉज लाइक जो सोच रही हूँ बस वही सोच रही हूँ और वही मिल रहा है। Wow, wonderful. देखिए, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. अभी हमारी ट्रेनिंग होती जा रही है ना, तो हम भी क्या हो रहा, हमारे साथ क्या हो रहा है कि जो हमें चाहिए उसी के बारे में हम सोचते हैं और वो हमें मिलते रह रहा है. पहले क्या होता था, जो हमें नहीं चाहिए उसके बारे में हम ज्यादा सोचते थे और उसकी वजह से हमें नहीं मिलता था. आर यू गेटिंग दिस? अब हमको जो चाहिए वही सोचते हैं. वाओ, लाइट आ गया. अभी तो सर कहीं पे चेंजिंग करवाने के लिए जाना है, तो पहले निगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती थी कि नहीं बाबा चेंज करके देगा कि नहीं, वो हम लोगों ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए। लेकिन अभी जाने से पहले मैग्निफिसेंट आउटकम हो जाता है, और जो चाहिए उससे भी बेटर चीज हाथ में मिलने वाली है। और वैसे ही होता है, शॉप में जाते ही वो आदमी बोलता है, अरे सॉरी मैडम आपको गलती से ये चीज आ गई, ये दे दो एक्सचेंज में, दूसरा लेके जाओ। यस, इट इज सो ट्रू, इट इज सो ट्रू. और ये नेचुरल है. देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, नेगेटिविटी आना बहुत नेचुरल है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें पूरी नेगेटिविटी भरी हुई है बरसों की. अब वो धीरे 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 बाय प्रैक्टिस वो कम होती जा रही है. पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव ख्याल आते थे, अब थोड़े कम होने लगे हैं. आज सुबह एयरपोर्ट पे खड़ा था मैं 5 बजे, 4:30 बजे, 1 घंटे का टाइम था मेरा फ्लाइट को. आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम बॉम्बे टू नागपुर, तो वहां एयर इंडिया के काउंटर्स के ऊपर क्योस था, पूरा क्योस, पूरा समझ में नहीं आ रहा था किसी को क्या है. तो मैं एक लाइन में खड़ा हो गया एयर इंडिया की. अब आधे रास्ते में मुझे पता चला कि ये तो इंटरनेशनल फ्लाइट की लाइन है, तो नेगेटिविटी चालू. मैं बोला अभी तो पक्का फ्लाइट गया, क्योंकि जो अभी जो मेरी जो मतलब नेशनल फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट रहती है उसकी लाइन तो बहुत लंबी चौड़ी थी. चालू हो गया, फिर मुझे याद आया, अरे ये तो नेगेटिविटी हो गया. तो अब हमें समझ में भी आता है. तो मैंने क्या किया, मेरा माइंड को डाइवर्ट किया, ग्रेटिट्यूड शुरू कर दिया, एयरपोर्ट का शुक्रिया, एयर इंडिया का शुक्रिया, इसका शुक्रिया, जो मन में आवे वो. रिमेंबर वन थिंग, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, याद रखना. जिन जिन को नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो याद रखें कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. आर यू गेटिंग दिस? यू कैन ओनली डाइवर्ट योर माइंड. आपको अगर रियलाइज हो गया कि आपको नेगेटिविटी आ रही है, तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं इनटू ग्रेटिट्यूड. खत्म, बस, गेम ओवर, नेगेटिविटी चली जाती है. बिकॉज बिल्कुल सर, बिकॉज नेगेटिविटी एंड ग्रेटिट्यूड कैन नॉट स्टे टूगेदर. ग्रेटिट्यूड की जीत होगी. जी सर, दिस सर कुछ सोचता नहीं और सिर्फ थैंक यू भी बोलते हैं ना, तो बहुत वर्क करता है। यस, अगर नहीं सोचता बंद कर सकते, अगर नहीं सोचता तो थैंक यू अपना मैजिकल फुटस्टेप, मैजिकल फुटस्टेप चालू करो. जस्ट डाइवर्ट योर माइंड. रिमेंबर वन मोर थिंग, यू कैन नॉट कंट्रोल नेगेटिव थॉट्स. बस
आप ये बात समझ लेना, आप नेगेटिव थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने माइंड को सिर्फ डाइवर्ट कर सकते हैं, और वो भी कब कर सकते हैं, जब आपको एक बार मास्टरी हो गई माइंड डाइवर्ट करने की, तो ही कर सकोगे। ओके, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर समथिंग? जितना डाइवर्ट करने की कोशिश करते उतना ज्यादा थॉट्स आते हैं, तो आने देने का, लेकिन थैंक यू चालू रखने का तो इमीडिएट टर्न ऑन हो जाता है। द मोर यू रेजिस्ट द मोर इट विल परसिस्ट। अगर किसी को चीज, कोई भी चीज को, कोई भी थॉट को आप रेजिस्ट करोगे, अरे नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो और ज्यादा आएगा। कोई भी नेगेटिव थॉट कभी आया तो रजिस्ट कर, अरे यार नेगेटिविटी मेरे को नहीं चाहिए, गार्जियन सर ने बोला तो आज नेगेटिविटी नहीं करना, नहीं करना, तो और आएगा। डोंट डू दैट, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट द नेगेटिविटी एंड ओनली यू कैन। देखिए इसके लिए तो हम आपको ग्रेटिट्यूड, एक्चुअली क्या होता है, ये जो 28 दिन एक महीना हम ग्रेटिट्यूड करते ना, तो हम ग्रेटिट्यूड के मास्टर बन जाते हैं। हम एनी सर्कमस्टांसिस में वी आर एबल टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। खराब से खराब हालत में ग्रेटिट्यूड शुरू कर देते हैं हम। एयरपोर्ट पे पहुंचा, वहां एयर इंडिया के उधर, वहां पर एक एकदम स्मार्ट लगता था, गालियां दे रहा था एयर इंडिया को, एयर इंडिया ऐसा, अरे इतना हमको खड़ा रखा, ये किया वो किया, ओ माय गॉड, बोला ये क्या कर रहा है, जिस प्लेन में जा रहा है उसी को गाली दे रहा है। आर यू गेटिंग दिस? एंड नाउ वी कुड अंडरस्टैंड, और मैंने अपना ग्रेटिट्यूड शुरू कर दिया है। अब उसको तो समझा नहीं सकता हूँ, लड़के को, यंग लड़का था, ऐसा सोने की चेन, ऐसा मोबाइल, ऐसा स्टाइल में खड़ा था, अरे तुम एयर इंडिया वालों को समझता ही नहीं है, इतना खड़ा, और क्या क्या बोलता था, ओ माय गॉड, कंप्लेन बॉक्स। देखो कंप्लेन इज पॉवर्टी। जिसको भी गरीब बनना है ना, गरीब किसको बनना है, वो कंप्लेन करें, खत्म हो गई बात। किसको गरीब बनना है? जिसको भी गरीब बनना है ना, वो कंप्लेन करे, बस, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, गेम ओवर हो जाएगा तुम्हारा। एंड ग्रैटिट्यूड इज रिचनेस, ग्रैटिट्यूड इज रिचनेस, कंप्लेन इज पॉवर्टी। आप गरीब बन जाओगे। और याद रखना, जो भी गरीब है इंसान, कोई पुअर है, तो याद रखना, उसको ऑब्जर्व करना, वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, ब्लेम करता रहता है, दुखी रहता है। ये सब हमें समझ में आ गया कि भाई वो इसके लिए गरीब है क्योंकि वो कंप्लेन करता है, क्योंकि वो दुखी है, क्योंकि वो ब्लेम करता है। आपको भी अगर आपको गरीब बनना है तो आप करें, बेफिक्री, नो प्रॉब्लम, करें। थैंक यू वेरी मच। ओके, एनीबडी एल्स? यस सर। मैं बोलू? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, करें शेयरिंग। वैशाली, नागपुर। ओके, हाँ सर, मेरे कल मैंने शेयरिंग किया था अपनी से, पर मैं जो मैजिक सेशन ले रही हूँ सर, रोज रोज हर एक का वहां पे शेयरिंग होता है, इतनी खुशी हो रही है। आज तो शेयर मार्केट का शेयरिंग किया था एक ने, कि उनका था कि कुछ उनको 37, मेरा तो नेट डाउन हो गया था तो मैं नहीं सुन पाई, पर बाद में उन्होंने बताया कि कुछ उनका था कि उनको 37,000 मिलने वाला था, पर उसने लिखा था जो मेरी इसमें क्लास में आती है, कि उसका था कि 40,000 के ऊपर आएंगे। उसके हस्बैंड बोले कि नहीं, मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, तो बोले नहीं सिर्फ 10 मिनट रुको। 10 मिनट बाद उसका सर 41,500 हुआ उसका, तो उसने आज शेयरिंग किया था वहां पे। तो रोज शेयरिंग होता है, रोज किसी को, जो आपको खुशी होती है ना, वो मुझे हो रही है अभी क्लासेस लेने में, कि रोज किसी ना किसी दो बंदे का शेयरिंग होता है वहां पर, बहुत खुशी हो रही है। yes. तो मैं आपको बोलता हूँ, अपने खुद की मैजिक बुक सेशन शुरू करें, आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, याद रखना सर। हो रहा है सर, सही में हो रहा है। जो रोज सुबह टू डू लिस्ट लिखती हो ना सर, वो बिल्कुल डेफिनेटली वैसी की वैसी होती है सर, डेफिनेटली बिल्कुल। रात तक के एक गुड न्यूज रोज मिलती है, एक गुड न्यूज रोज मिलती है सर।
और जो मैं जैसे मेरे पुराने कुछ क्लाइंट है जो अभी कोविड के बाद वो नहीं आए हैं, मैंने सिर्फ उनका नाम लेके नहीं लिखा है, पर मैं रोज लिखती हूँ कि पुराना क्लाइंट आया डेली सर, हर यानी 2 हफ्ते हो गए डेली पुराने क्लाइंट आ रहे हैं, और जिनसे मेरा कुछ हो गया था कुछ फिटिंग का इशू, तो मैंने उनके लिए वो आए, पर मैं बोली अभी ये पुराने क्लाइंट है पर इनसे कुछ हुआ था मेरा, तो उनके लिए मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड लिख के, तो वो कल इतना खुश होके गई जो पिछली बार नाराज होके गई थी, वो बहुत खुश होके गई। मैं हमारे जो बुटीक के मेरे पूरे एम्प्लॉयज है ना वो सब ये आज इतनी खुश होके कैसे गई, बोली इसके लिए बहुत लिखा था मैंने। यस थैंक यू वेरी मच। ओके कि मेरे सिस्टर का ब्रेसलेट गोल्ड ब्रेसलेट मंडे के दिन गुम हो गया था, और जैसे मैं अभी एस्ट्रोलॉजी पामेस्ट्री फेस रीडिंग न्यूमरोलॉजी सब कुछ करती हूँ, तो उसका मुझे फोन था कि प्रश्न कुंडली लगा के देख के वो मिलेगा क्या वापस, तो मैंने देख के तो बोल दिया था उसको कि चांसेस तो बहुत कम है तुझे मिलने के, लेकिन फिर मैंने बोला अपने पास तो मैजिक है ना, मैनिफेस्ट तो कर, विजुअलाइज कर, तेरा ब्रेसलेट तेरे हाथ में है, और आज ही उसी का उसका कॉल आ गया, मेरा ब्रेसलेट मिल गया। Okay. So I want to share. Wonderful. Sir, वीरमानी जी कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी करें करें। सर मैं अस्सी वीरमानी नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से। तो मैंने फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया था अरविंद सर के साथ अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 2022 में। तो वो रेगुलर किया, मतलब जो 28 क्लासेस में से 10 या 12 क्लासेस की, और प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने धीरे धीरे। और अभी जो ये 66 डेज वाला जो है, ये एक्चुअली मेरा ट्रैवलिंग रहता है, तो मैं मेट्रो में बैठ के इस सेशन को अटेंड करता हूँ। तो कई दिनों से सोच रहा हूँ, जो 3 दिन से, कि मैं करूँ उसको, शेयर करूँ। बट होता क्या था कि मैं टनल के अंदर आ जाता था, तो मैंने कहा यार बीच में डिस्टर्ब होगा तो मैं अपना नाम ही नहीं लेता था। तो लकीली मैं आज घर पर था, तो मैंने कहा कि राजन सर भी हैं, तो एक बार शेयर करता हूँ। तो हिम्मत बना के शेयर कर रहा हूँ कि मेरे को क्या क्या बेनिफिट हुए। तो पहले तो सबसे पहला जो बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि मतलब हमें पता था कि कंप्लेनिंग करने से मतलब हमारी पॉवर्टी आती है, या कंप्लेनिंग करने से हमारे गुड फॉर्चून क्रिएट होते हैं, ये सब कुछ पता था। तो सबसे बड़ी बात ये हुआ कि मतलब रियल मीनिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड होता क्या है वो मुझे यहाँ से समझ गया। कि कहते तो थे कि वी शुड बी पेड अडेप्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू अवर पेरेंट्स और सोवेरियन और सबको हमारे को करना चाहिए, बट कैसे करना चाहिए वो मुझे अभी समझ में आया। तो अब यही हो रहा है कि उस समय भी अरविंद सर ने बताया कि आप लिखो, बार बार लिखो, तो मैं लिख तो नहीं पा रहा था उस समय। तो अभी जैसे 66 डेज की क्लासेस में मैंने सीखा कि भी लिखने से काफी चीजें आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो नंबर वन जो बेनिफिट मिला मुझे कि मतलब छोटी छोटी लिटिल लिटिल चीजें